नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आप अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई सूचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो वीडियो है वो राजस्थान पटवारी भर्ती से रिलेटेड है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिनको इंतजार था, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि पटवारी की भर्ती की जो पूर्व प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है और इसके बाद में जल्द इसके जारी अधिसूचना जो कभी भी जारी हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं, भू राजस्व नियमों में कंप्यूटर दक्षता के लिए राजस्व वित्त विभाग से मंजूरी के बाद विधि विभाग से जल्द जारी होगी अधिसूचना। पटवारी के 3800-3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो इसके लिए जल्द ही जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, अगर खबर को विस्तृत रूप से देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पटवारी के 3800-3500 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया तैयारी पूरी है। तो इसको पहले भी जो बजट सत्र हुआ था उसमें गहलोत सरकार ने मंजूरी दे दी थी, तो लगभग 3835 पदों पर ये भर्ती की प्रक्रिया होगी और यहाँ पे इसकी जो पूरी प्रोसेस हो चुकी है, कभी भी जारी नोटिफिकेशन हो सकता है। पटवारी के यहाँ पे जूम करके न्यूज़ आपको दिखाते हैं, पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने सभी जिलों से आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या का आंकड़ा जुटा लिया है। पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर संबंधी दक्षता के लिए भू राजस्व नियमों में संशोधन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। तो जो कंप्यूटर शिक्षा में जो शैक्षणिक योग्यता थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, वो भी अंतिम चरण में है और यह पूरी होने के साथ ही राजस्व मंडल की ओर से राजस्थान अधीन सेवा चयन बोर्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जिसकी भर्ती प्रक्रिया करवाएगा वो राजस्थान अधीन सेवा बोर्ड करवाएगा। पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर संबंधी शैक्षणिक योग्यता में अब की बार परिवर्तन किया गया है। इसके लिए भू राजस्व नियमों में संशोधन की अधिसूचना विधि विभाग के द्वारा जारी की जाएगी। तो जो अभी तक फिलहाल जो लेट हो रही है भर्ती, वो भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसमें कंप्यूटर जो संबंधित शैक्षणिक योग्यता है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्व मंडल ने एक महीने पहले संशोधन संबंधी प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था, जो राजस्व और वित्त विभाग से मंजूर हो चुका है। अब भू राजस्व नियमों में संशोधन विधि विभाग को करना है, जो इस सप्ताह हो सकता है। तो ये प्रोसेस जो इस सप्ताह पूरी हो जाएगी और इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग और EWS यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण मंडल के स्तर पर किया जा चुका है, तो ये वर्गीकरण भी पूरा हो चुका है। तो आरक्षण संबंधी जो प्रोसेस है वो भी पूरी हो चुकी है। नियम संबंधी अधिसूचना जारी होते अधीन सेवा चयन बोर्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती संबंधी घोषणा की थी। पटवारी पद पर जो आखिरी भर्ती 2015 में हुई थी, प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए हुई थी। 2015 में हुई पटवारी की जो भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के लिए शैक्षणिक योग्यता RACIT रखी गई थी। तो 2015 में जो भर्ती प्रोसेस हुई थी उसमें जो कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता थी वो RACIT मांगी गई थी, लेकिन अब की बार इसमें जो कंप्यूटर में ज्ञान में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, इस भर्ती में क्या चेंज किया गया है, इस भर्ती में तब बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे जो कंप्यूटर में उस शैक्षणिक योग्यता प्राप्त थे लेकिन उन्हें RACIT नहीं की थी। नियमों के तहत RACIT के अनिवार्यता का हवाला देते हुए कंप्यूटर में BTech और MTech सहित उच्च डिग्री प्राप्त आवेदकों को भर्ती से इनकार कर दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि राजस्थान हाई कोर्ट में करीब 300 रिट दाखिल हुई और मामला अदालती विवाद में फंस गया। तो इसके बाद यह निर्णय किया गया कि पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर संबंधी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें RACIT के अलावा भी जो उच्च डिग्रियाँ हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये प्रोसेस इसमें जो शैक्षणिक एकदम बदलाव भी इसीलिए कर रहे हैं कि भर्ती कोर्ट में नहीं जाए जो पिछली बार की तरह, तो इसलिए इसमें शैक्षणिक संशोधन किया गया है। अब की बार RACIT के साथ साथ जो कंप्यूटर में उच्च जो डिग्री और डिप्लोमा उनको भी अनिवार्य उनको भी माना जाएगा और वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए पटवारी भर्ती को लेकर बने राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 है उसमें संशोधन जरूरी किया जा रहा है। तो ये संशोधन होने के बाद में ही ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी, उसके बाद में ही RSMSS भी जो बोर्ड है राजस्थान सेवा अधीन चयन बोर्ड, वो इस भर्ती को विज्ञापन जारी करेगा। यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दे रखी है, ये चेक कर सकते हैं। प्रदेश में पटवारी के जो कुल पद जो स्वीकृत हैं 12252 हैं, जो कुल कार्यरत पटवारी 8718 हैं। इस प्रकार जो रिक्त पदों की संख्या है 3835 है। जो आखिरी पटवारी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में हुई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पटवारी भर्ती के लिए जो रजिस्ट्रार राजस्व मंडल का जो विनीता श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती के लिए नियमों में संशोधन 1.5 महापूर्व भेजे थे। विधि विभाग से संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी होनी है। मंडल ने सभी जिलों से रिक्त पदों की सूचना एकत्र कर ली है। संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने अभी से तैयारी में लग जाएं। इसका विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, जिसमें सप्ताह या 2 सप्ताह का मैक्सिमम टाइम लगेगा। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता जिनके पास RACIT नहीं है और या फिर उन्होंने जो कंप्यूटर में उच्च शिक्षा कर रखा है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं अब की बार। तो ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी, जो टोटल पदों पर जो भर्ती होगी वो भी 3835 पदों पर इसके लिए भर्ती की जाएगी।
तो दोस्तों इस हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें और अगर आप चैनल पर विजिट करने वाले नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।